हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद गुप्ता और आज मैं बात करूंगा क्रिएशन एंड सबमिशन ऑफ साइट मैप्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से जो वर्डप्रेस में डेवलप होती है। तो अगर आपको साइट मैप बनाना है इसके अंदर, तो आप मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप योस्ट एसईओ को यूज करते हैं, योस्ट एसईओ एक प्लगइन है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ योस्ट एसईओ में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इसकी जनरल सेटिंग्स पे। तो दोस्तों, डैशबोर्ड के बराबर में आपको दिखेगा फीचर्स। तो फीचर्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जामिन साइट मैप। अगर आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रीड वाई एग्जामिन साइट मैप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर साइट, और एग्जामिन साइट मैप आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों, एक तो एक तरीका है कि अपने आप ही बनता चला जाता है। अगर आप इसको बंद भी कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं, और आप चाहते हैं कि आप मैन्युअली बना के सबमिट करें, तो वो भी पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम साइट मैप को क्रिएट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक साइट मैप है, ये जो ऐसे आपको टेक्स्ट फाइल दिख रही है, ये साइट मैप कैसे हम जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अब ये बताने वाला हूं मैं आपको। तो आप एक न्यू विंडो ओपन कर जाए और लिखें, गूगल सर्च इंजन पे लिख दें साइट मैप जनरेटर। जब आप साइट मैप जनरेटर को एंटर करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा www.examen-sitemap.com, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों यहां सिंपली आपको आपकी जो वेबसाइट है उसका URL एंटर करना है एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है मुझे इसका बनाना है साइट मैप, ये है learn2unlearn.com और ये वेबसाइट कोडिंग के थ्रू डेवलप हुई है। तो इसका URL मैं यहां से कॉपी कर लूंगा और ये जो वेबसाइट है sitemap.com यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कुछ टाइम लेता है और ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि जो पास्ड है, रिमेनिंग, स्कैन, एडिट, क्यूट, तो ये पूरी साइट को क्या करेगा, स्कैन करेगा और आपको साइट मैप बना करके देगा। तो साइट मैप की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू साइट मैप डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, ये ब्लू कलर का जो बटन है, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका नाम है sitemap.xml, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। अपलोड इट इनटू द डोमेन रूट फोल्डर ऑफ योर वेबसाइट, देन ओपन गूगल सर्च कंसोल एंड एड योर साइट मैप URL। तो दूसरा काम क्या है, अपलोड इट इनटू द डोमेन रूट फोल्डर ऑफ योर वेबसाइट। तो दोस्तों, अब चलूंगा मैं सी पैनल पे। तो ये सी पैनल है वेबसाइट का, hostinger.com, और यहाँ पे मैं जाऊंगा इसमें फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा पब्लिक HTML, इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, इस फोल्डर के अंदर हमें ढूंढनी होगी साइट मैप वाली फाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये sitemap.xml, क्योंकि ये पहले से है, इसको मैं डिलीट करके नहीं अपलोड करूंगा, तो इसको मैं यहां से कर दे रहा हूँ डिलीट। नाउ आई हैव टू अपलोड अ न्यू फाइल। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपको आइकन दिख रहा होगा अपलोड फाइल्स का एंड सेलेक्ट फाइल, और डेस्कटॉप पे जाके और मैं इस फाइल को कर दूंगा ओपन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो साइट मैप की फाइल है उसको मैं कर दूंगा अपलोड। तो दोस्तों, फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, मैं यहाँ देख सकता हूँ अगर वो होगी नीचे sitemap.xml, पहले 2 KB की थी, अब वो 1.4 KB की हो गई है। तो दोस्तों, इतना काम तो कर लिया हमने कि उसको रूट फोल्डर में सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस साइट मैप को सबमिट करेंगे गूगल सर्च कंसोल की मदद से। तो गूगल सर्च कंसोल पे आ गया हूं मैं। यहाँ पे ओवरव्यू में आपको अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है कौन सी है, जैसे मैं यहां से कर रहा हूँ www.learn2unlearn.com, इसी वेबसाइट के लिए मैंने अभी साइट मैप बनाया था। एंड यहाँ आपको नीचे दिखेगा ऑप्शन कवरेज के नीचे या इंडेक्सिंग में साइट मैप, और आपको दोस्तों यहाँ पे एक साइट मैप सबमिट करना है। यहाँ पे मैं पहले से एक साइट मैप को सबमिट कर चुका हूँ, जो मैंने करा है 2nd March 2021 को। तो मुझे यहाँ पे साइट मैप का URL लिखना है दोस्तों, तो www.learn2unlearn.com, और मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था जो हमारा URL होता है उसके आगे हमें लिखना है sitemap.xml and submit। तो दोस्तों, साइट मैप सबमिट हो रहा है और लिखा गया है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट
and look for changes. You will be notified if anything goes wrong with in the future. Got it? तो दोस्तों मैंने क्या करा, साइटमैप सबमिट कर दिया, तो यहाँ पहले डिस्कवर्ड यूआरएल के 6 अब हो गए यहाँ पे दोस्तों 7। तो दोस्तों साइटमैप जो हमने सबमिट किया है, मतलब ये जो यूआरएल है sitemap.xml, अब इसके अंदर जितने भी यूआरएल हैं वो फाइल मैं ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी साइटमैप की। तो दोस्तों ये टेक्स्ट फाइल है और ये क्लासिक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुई है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी आपके यूआरएल हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, जो जो आपको इंडेक्स करवाने हैं गूगल के ऊपर या गूगल के लिए, तो उनमें ये हेल्प करेगा साइट मैप आपकी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, पहले आप साइट मैप बनाएंगे इस वाली वेबसाइट पे जाके xml-sitemap.com पे जाके, फिर आप साइट मैप फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे रूट फोल्डर में, और रूट फोल्डर में अपलोड होने के बाद गूगल सर्च कंसोल में जाके उसको सबमिट करेंगे। बहुत ही सरल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए दोस्तों जैसे मैं बात करूं यहां पर वर्डप्रेस वेबसाइट की, आप योस्ट एसईओ को यूज नहीं करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं? साइट मैप तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसा कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए मैंने बना के दिखाया आपको, अपलोड कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी दोस्तों आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। एड न्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ प्लगइन के अंदर जाके, और आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा फाइल मैनेजर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा फाइल मैनेजर, और आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको कर रहा हूँ एक्टिवेट, ये कुछ टाइम लेगा एक्टिवेट होने में, तो एक्टिवेट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखेगा WP फाइल मैनेजर, और इसके अंदर मैं चलता हूँ तो दोस्तों फाइल मैनेजर आ गया, जैसे वहां था वैसे यहाँ आ गया है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर जाके जो फाइल थी यानी जो साइट मैप की फाइल थी वो जाके यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये भी दोस्तों बहुत सरल है। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो फोल्डर बना हुआ है प्लस, और आप यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके और अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों साइट मैप को क्रिएट करना काफी सरल है और इसको अपलोड करना भी काफी सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है। बस दोस्तों इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। साइट मैप की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो। अगर आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे xmlsitemaps.com पर, अगर मैं इस पर पीछे जाऊं बैक करूं इसको, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा सुटेबल व्हेन यू नीड क्विकली क्रिएट अ साइट मैप फॉर ए स्मॉल वेबसाइट अप टू 500 पेजेस। तो ये फ्री है। यहाँ पे प्रो साइट मैप पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेजेस तो वो 15,00,000 पेज है। दोस्तों 15,00,000 पेज तो बहुत ज्यादा होते हैं। जो इस पे लिमिट है, गूगल जो लिमिट हमें देता है वो जो लिमिट है वो 50 MB है। तो दोस्तों 50 MB की टेक्स्ट फाइल बहुत बड़ी हो गई, आप गौर करके देखिएगा इस चीज को। और 50,000 तक आप इंडेक्स कर सकते हैं पेज एक फाइल में। अगर आपके पेज इससे ज्यादा होते हैं, 50,000 से ज्यादा होते हैं, तो दोस्तों आपको साइट मैप का भी एक साइट मैप बनाना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आपके 2,50,000 पेज हैं, तो आपको 50,000 के 5 साइट मैप बनाने पड़ेंगे, और उन 5 साइट मैप का भी एक साइट मैप बनाना पड़ेगा। तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा फिर गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। गूगल सर्च कंसोल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल के बारे में कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिंग वेबमास्टर टूल्स की, तो दोस्तों जब आप आएंगे बिंग वेबमास्टर टूल्स पे, दोस्तों जो गूगल सर्च सेंटर है जिसका नाम अभी पहले उसका नाम ही गूगल वेबमास्टर टूल्स था, और वेबमास्टर क्या है, कंपोनेंट है जिसको गूगल यूज करता था पहले रैंकिंग करने के लिए। तो जैसे गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट योर साइट्स फ्रॉम जीएससी, तो गूगल सर्च कंसोल से आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना होगा, और ये जो अकाउंट है ये वही है, ये अकाउंट वही है दोस्तों जो गूगल पर लॉग इन है, तो ये वहां से डेटा फेच कर लेगा और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। अगर आप अपनी साइट को मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूआरएल लिखें और अपनी साइट को मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो दो सबसे बड़े सर्च इंजन हैं दोस्तों वो गूगल है और बिंग है। लेकिन अगर वीडियोस की बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन यूट्यूब है। तो बिंग को भी काफी लोग यूज करते हैं, अमेरिका में बिंग को काफी लोग यूज करते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर भी सबमिट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप सर्च इंजन को देखें तो गूगल की कुछ जगह मोनोपोली चलती है, और आप देख सकते हैं कि गूगल काफी सारे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके भी आपके सामने रखता है। अगर आप कुछ ऐसे सर्च इंजन यूज करेंगे जैसे यंडेक्स करेंगे या डक डक गो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एसईओ बहुत ही अच्छा होता है। ये जो सर्च इंजन है
जैसे डक डक गो है या बाइडू है, इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे यूजर बहुत कम है। आप ऐसे समझिए 90% यूजर गूगल के पास है, बाकी जो 29 जो सर्च इंजन हैं उनके पास केवल 10% ट्रैफिक है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपनी बात पर। तो आज मैंने आपको ये बताया है कि आप कैसे साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट है xml-sitemap.com यहाँ से, या फिर आप और भी कई सारी वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं साइट मैप। फिर आप साइट मैप को डाउनलोड करें, जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसको रूट फोल्डर में सेव करें, और रूट फोल्डर में सेव करने के बाद आप उसको गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से कनेक्ट करें ताकि जो आपकी यूआरएल है वो डिस्कवरेबल हो सके। यहाँ पे लिखा है देखो दोस्तों डिस्कवर्ड यूआरएल। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप योस्ट एसईओ को यूज करें, क्योंकि उससे साइट मैप ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक यही अच्छी बात है। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि साइट मैप को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको सबमिट करते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।